इस दफा मुझे लग रहा है कि सुनामी आएगा। लास्ट ईयर जितनी कोशिश की आंखें बनी लाहौर कलंदर मैनेजमेंट में कि नए लड़के आ जाए, इस साल भी हम यही ट्राई कर रहे हैं कि कोई राइजिंग स्टार मिल जाए हमें। मैक इट हैपन लाहौर कलंदर दमाद मस्त कलंदर। और आज हम रावलपिंडी में हैं जो कि यहाँ पे क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है। ये यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, वो यहाँ आके अपने ट्रायल दें और सेलेक्ट होके लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करें। सेलेक्ट हुआ तो लाहौर कलंदर से खेलूंगा, अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो घर जाके और मेहनत करूंगा, इसके काबिल बनने की कोशिश करूंगा। अगर सेलेक्ट हो गया तो इंशाल्लाह लाहौर कलंदर को PSL जितवाऊंगा। इन्होंने पाकिस्तान के जो ग्रास रूट लेवल है जो कि मिसिंग था पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से, उसके ऊपर काम किया और जो टैलेंट जो एक्सपोज नहीं हो पा रहा था उसको एक्सपोज किया। मुझे तो ये डर लग रहा था जैसे रश आ रहा था कि हमें तीसरे दिन भी ट्रायल्स को लेके जाना पड़ेगा। ये यंगस्टर के लिए आने जाने का बहुत अच्छा मौका है। आज मैंने ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्म किया और मैं सेलेक्ट हो गया। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आऊँगा और इससे ज़्यादा मेहनत करके आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, PSL का हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तान का प्राइड बनेंगे। रस्सी तपदी फिरे मेरी शॉट में पंजाब की ठंडी लस्सी। मेक इट हैपन दमादम मस्त कलंदर, लाहौर कलंदर, डर्बन कलंदर। खलकत भी बुलाई के दौड़ मलावा चौका भी बचावा सारे।